प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है भिन्न। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि भिन्न कहते किसे। भिन्न किसी भी वस्तु या पदार्थ का एक भाग होता है। जिस प्रकार हमारे पास यदि एक सेब है और हम उसके चार बराबर टुकड़े कर लेते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा उसकी एक चौथाई भिन्न है। एक चौथाई का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब कि चार हमने बराबर भाग किए थे और उसमें से एक भाग हमने लिया है, तो एक टुकड़ा वो उसका हो गया। मतलब किसी भी पदार्थ या वस्तु के भाग को हम भिन्न कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि मान लिया हमारे पास ये एक वर्ग है और वर्ग के हमने चार बराबर टुकड़े कर दिए। एक ये वर्ग है, इसके हमने ये चार टुकड़े कर दिए, इसको हमने छायांकित कर दिया एक भाग को, इसको हमने छायांकित कर दिया एक भाग को। अब इस वर्ग के चार बराबर टुकड़े हुए थे, यदि इसका छायांकित भाग मैं लूंगा तो वो छायांकित भाग क्या कहलाएगा? 1/4 भिन्न कहलाएगा इस पूरे वर्ग की। लेकिन इस वर्ग की स्थिति में यदि मैं इसको देखूं, क्या मैंने इसके बराबर भाग किए थे? आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले दो भाग बड़े हैं, ऊपर वाले दो भाग छोटे हैं। तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये देखना पहले तो। क्योंकि जब मैं इसके भाग कर रहा हूं तो मैंने शुरू में ही कहा था कि बराबर भाग करने हैं। यदि बराबर भाग नहीं है तो भिन्न का अनुमान हम नहीं लगा सकते। अनुमान की बात का मतलब यह कि भिन्न को हम सटीक नहीं बोल सकते कि इसकी 1/4 भिन्न ही है। भिन्न तो ये भी है, भाग तो ये भी है किसका, लेकिन 1/4 भाग नहीं है। तो बराबर भाग होने चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात कि जो छायांकित हो या ना हो, जो ऐसा भी हमने पूछ रखा हो। मान लिया कि हमने एक त्रिभुज को ले लिया। अब त्रिभुज के मैंने कितने भाग कर दिए? दो भाग कर दिए, दोनों बराबर भाग हैं। और यदि मैं एक को छायांकित कर रहा हूं तो इस जो त्रिभुज की कितनी भिन्न है जो छायांकित है, तो एक भाग छायांकित है और कुल कितने भाग किए थे? दो। कुल हमेशा नीचे आएगा, मतलब नीचे वाली जो संख्या है इसको हर बोला जाता है। ये हमेशा वो आएगी कि किसी वस्तु के जितने कुल भाग कर दिए गए हैं, कुल भाग, और जो हमने लेने हैं वो ऊपर हर बन जाएगा। भिन्न की एक और अलग से परिभाषा हम देख लेते हैं। भिन्न P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। P/Q के बारे में आप जानते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। जो भिन्न है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, और अंश और हर हमेशा प्राकृत संख्या होते हैं। ध्यान रहे, प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही होंगे। तो इसमें हर का जीरो होना तो मतलब ही नहीं है। यदि हम प्राकृत संख्या ले रहे हैं तो हर कभी भी जीरो बराबर होगा ही नहीं। तो P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब भिन्न को यदि मैं लूं कि मुझे 2/3 लिखना है, समझ गए, 2/3, तो इसमें अंश कितना है? 2। हर कितना है? 3। अंश और हर ध्यान में देना है इसमें। अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं। 8 टुकड़े कर दिए और कितने भाग छायांकित है? 3 भाग छायांकित है। तो कितनी भिन्न छायांकित है इसकी? मतलब 3 तो मेरे जो छायांकित भाग है, बटे कुल कितने किए थे? 8। तो कितनी भिन्न छायांकित है इस आयत की? 3/8 भिन्न छायांकित है। अब जब हमें पता चल गया कि 3/8 भिन्न छायांकित है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि इसका अंश कितना है? 3, और हर कितना है? 8। अब भिन्नों में तीन प्रकार से भिन्न हमारे पास आती है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है विषम भिन्न, और इसके आगे जब मैं चलूंगा, एक होती है हमारे पास उचित भिन्न, दूसरी विषम भिन्न। इन दोनों को समझे पहले, उचित भिन्न और विषम भिन्न क्या है।
जब मैं लिख रहा हूं 2/3 मैंने लिखा है और एक मैं लिख रहा हूं 8/5, इन दोनों से आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि उचित भिन्न जो होती है उसका हर नीचे वाली संख्या हमेशा अंश ऊपर वाली संख्या से बड़ा होता है, मतलब हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है। विषम भिन्न में हम क्या देखते हैं, विषम भिन्न में कि हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, अर्थात वो भिन्न एक से ज्यादा की होगी, एक से ज्यादा की, उसको हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। और विषम भिन्न में और उदाहरण हम ले लेते हैं, मान लो 7/3 हो गया, यहां से और उदाहरण उचित भिन्न में और क्या सकते हैं, 1/5 हो गया, मतलब उचित भिन्न में हर बड़ा अंश छोटा और विषम भिन्न में हर छोटा अंश बड़ा, और यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास वो प्राकृत संख्या ही आ जाएगी, फिर प्राकृत संख्या होगी। और विषम भिन्न का थोड़ा सा आगे यदि हम बढ़ाएं कि यदि हमारे पास संख्या बड़ी है 8/5 है, तो हम 8 को पहले 5 से भाग देंगे, देखें 5 एकम 5, हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया, शेष 3 बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/5, अर्थात जो हमारा आंसर आया है वो सही में 1, उसके बाद जो शेष बचा है वो ऊपर और नीचे 5 जिससे भाग दिया था। इसको भी हम देख लेते हैं, 7 को यदि 3 से भाग देंगे, 3 × 2 = 6, 1 शेष बच गया, मतलब 2/1/3, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब जब मैंने ये सही बना के लिख दिया तो इसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब भिन्न भी हमारे पास 3 प्रकार से आ गई, इसको ध्यान से देखना है, उचित भिन्न जिसमें हर बड़ा अंश छोटा, विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा हर छोटा, और विषम भिन्न को ही जब सही बनाकर हमने लिख दिया, मतलब एक पूरा भाग है और उसके बाद जो भिन्न बच गई वो है, 2 पूरे भाग है उसके बाद जो भिन्न बच गई वो है, तो उसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। अब हम आगे बढ़ते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होगी, मेरे पास मान लो एक 2/5 एक भिन्न है, इसकी तुल्य भिन्न क्या कहलाएगी, हम अंश या हर को किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, अंश या हर दोनों को करना पड़ेगा, एक को नहीं, ऊपर भी और नीचे भी, 2 × 4/5 = 10, मतलब 2/5 की मेरे पास तुल्य भिन्न क्या आ गई, 4/10, या 2/5 को मैं और भी गुणा कर सकता हूं, 3 से भी कर सकता हूं, 3 × 6/5 = 15 है, ये भी तुल्य भिन्न है इसकी। यदि मैं 2/5 को गुणा कर रहा हूं ऊपर नीचे 10 से, इसी से भी कर सकते हैं हम, 10 × 20 = 50, ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। अर्थात एक भिन्न को, एक भिन्न के अंश या हर को यदि एक ही संख्या से गुणा करके हम लिखेंगे तो जो भिन्न हमारे पास आएगी वो उसकी तुल्य भिन्न होगी। ये गुणा का भी हो सकता है, ये भाग में भी हो सकता है। भाग में किस प्रकार होगा कि जैसे ही मैंने ये तीनों भिन्न ली हैं और मुझे देखना है क्या ये तुल्य भिन्न है, तो इसको 10 से भाग दे दो ऊपर नीचे, जो ऊपर करेंगे वो भी नीचे करना पड़ेगा, तो 20 को 10 से भाग दिया 2, 50 को 10 से भाग दिया 5, इसको किससे भाग दूंगा मैं, 3 से भाग दे दो, मतलब जिसके पहाड़े में दोनों आ रहे हैं उसी से भाग देना, 6 को 3 से भाग दिया 2, 15 को 3 से भाग दिया 5, इसको किससे भाग दे दूं मैं, 4 और 10 किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के में, 2 से भाग दे दो, 2 × 4 और 2 × 5 = 10, मतलब भाग देने के बाद भी यदि समान भिन्न बचती है तो वो आपस में तुल्य भिन्न है। और तुल्य भिन्न निकालने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया, एक और तरीका बिल्कुल आसानी से मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रश्न आता है कि 3/4 की तुल्य भिन्न बताओ। अब तुल्य भिन्न बताओ, 5 ले लेता हूं, चलो मैं इसकी 5 तुल्य भिन्न लिखनी है, तो हमें 3 का पहाड़ा भी आता है 4 का पहाड़ा भी आता है, हम यहां से ले लें 3 × 6 =
चार दूनी आठ, दो पे ही है ये, इसको किससे गुणा किया मैंने, दो से, इसको भी किससे गुणा किया है, दो से। अगली संख्या मैं तीन से गुणा करके लिख दूंगा, ये तीन दिया नौ, इसको भी तीन से गुणा करके लिखना पड़ेगा, चार दिए बारह। अगली चार से ले लूंगा, चार दिए बारह, चार चौके सोलह, फिर पांच से गुणा करो, पांच दिए पंद्रह, पांच चौके बीस, छह से कर लो, छह दिए अठारह, छह चौके चौबीस। मतलब जिसको मैं जिस संख्या को अंश से गुणा करूं उसी संख्या को हर से गुणा करने पर हमें तुल्यहीन है वो मिल जाएगी। और देख ले, हम ले लेते हैं पांच बटे नौ, बताइए इसके अगले इलेवन, पांच दुनी दस, नौ दुनी अठारह, अगली पांच दिए पंद्रह, नौ दिए सत्ताईस, अगली पांच चौके बीस, नौ चौके छत्तीस, चार से अब पांच से, पंजो पंजो पच्चीस, और आगे नौ पंजे पैंतालीस। जिसको ऊपर गुणा कर रहा हूं उसी को नीचे गुणा करें। तो आशा है कि आपको उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न और तुल्य भिन्न ये सारी समझ में आ गई होगी। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।